ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, और इसमें है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के क्या एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये अगर कहीं पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चीज़ जल रहा है और इसका जो फ्लेम है इस तरह ऊपर उठ रहा है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है मान लो और वो यहाँ से कुछ देख रहा है, तो ये पेड़ क्या उसे सीधा दिखेगा या थोड़ा सा हिलता डुलता दिखेगा? हिलता डुलता दिखेगा। क्यों? हुआ क्या कि जब ये आग जलने लगी तो आग की गर्मी की वजह से इसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो गई, वार्म हो गई, और जो गर्म एयर है वो डेंसर होगा कि रेयर? तो ये रेयर होगा, है ना। और यहाँ पे जो एयर है वो डेंसर है, यहाँ पे जो एयर है वो भी डेंसर है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जब लाइट आएगी तो वो सीधे नहीं आएगी बल्कि डेंसर, फिर लेयर, फिर डेंसर, फिर इस तरह से आएगी, और इसी वजह से ये पेड़ हिलता डुलता दिखेगा। रिफ्रैक्शन का अलग एटमॉस्फेरिक एग्जांपल है रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन तुम लोगों ने देखा होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन नामक टॉपिक में। पहला है रेनबो फॉर्मेशन। तो पहले रेनबो फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बना हुआ है, मैं भी पहले बना कर समझा दूँ। वो होता क्या है कि जस्ट अभी बारिश हुई है उसी समय सन अपीयर हो जाए, सूर्य निकल आए, ठीक है। तो होता क्या है कि उसी समय अगर सूर्य निकल आई तो बारिश बंद हुई है, लेकिन बारिश की बूंदें अभी भी एयर में है, अभी भी बूंदे एयर में है। तो ये बूंदे क्या करेंगी, प्रिज्म का काम करेंगी, प्रिज्म। और प्रिज्म का जब काम करेंगी तो इनके अंदर रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन सब होगा। होगा क्या कि ये सनलाइट आएगी। अब देखो ये एयर है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, लेकिन अभी ये प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो ये रेयर मीडियम है लेकिन इसके अंदर डेंसर मीडियम है, तो ये थोड़ा सा बेंड होगा। बेंड होने के बाद ये सीधे नहीं जाएगा, नहीं, ये यहाँ से इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ तक इंटरनल, यानी ये जो रे थी वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से इसमें रिफ्रैक्शन होगा और ये इस तरह स्प्लिट हो जाएगा, सेवन कलर में ये स्प्लिट हो गया। वो सेवन कलर क्या होगा, वी ब ग्योर विब्ज्योर, ठीक है। तो यही रेनबो है, यानी इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर एक तो जो है रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ कहाँ हुआ, यहाँ हुआ इस जगह। उसके बाद इसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, इस पॉइंट पे हुआ। तीसरा क्या हुआ, डिस्पर्सन हुआ, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू सेवन कलर, वो कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। यानी रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, डिस्पर्सन यहाँ हो रहा है। तो ये है रेनबो फॉर्मेशन की पूरी कहानी। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके देख लेते हैं। रेनबो फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, तो डिस्पर्सन होता है, सही बात है। रेनबो क्या है, स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मीन्स बैंड ऑफ सेवन कलर, जहाँ सेवन कलर्स होंगे उस चीज़ को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। दिस फिनोमिना कैसे होता है, रिफ्रैक्शन होता है इसमें, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, और एक चीज़ और होता है वो है डिस्पर्सन, डिस्पर्सन जो कि हमने यहाँ लिखा है। पैरेलल बीम आती है और वो डेविएट हो जाती है ना, डेविएट कैसे होती है हम समझ गए हैं।
सेकेंड है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार हैं वे कैसे ट्विंकल करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये स्टार है ना, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब कोई व्यक्ति जो स्टार को देख रहा है। ये हमारी एटमॉस्फेयर की बाउंड्री है, यहाँ से ये एटमॉस्फेयर की बाउंड्री है, और इसके ऊपर ये क्या है, स्पेस है जहाँ कुछ नहीं है। अब होगा क्या, स्टार से सीधे सनलाइट तो यहाँ आएगी, यहाँ सीधे आएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी। लेकिन एटमॉस्फेयर में जैसे ही आएगी, देखो एटमॉस्फेयर में कई सारे फैक्टर काम करते हैं। एक तो एटमॉस्फेयर हर जगह सेम नहीं है, कहीं डेंसर है, कहीं रेयर है, कहीं डेंसर है, कहीं रेयर है, कहीं डेंसर, कहीं रेयर, यानी कहीं डेंसर येलो से लिखें, कहीं डेंसर है, कहीं रेयर है, कहीं डेंसर है, कहीं रेयर है, कहीं डेंसर है, कहीं रेयर है। अब जहाँ डेंसर है वहाँ भी हमेशा डेंसर नहीं है। अगर कोई एयर करेंट आया यानी हवा चलने लगी, तो ये जो डेंसर था ये हवा उससे उधर चला गया, अब ये रेयर बन गया। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लाइट स्टार से आती है वो सीधे नहीं आती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यानी जो स्टार यहाँ पे दिखना चाहिए कभी यहाँ दिखेगा, 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 और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। फिर से समझना है तो देख लो, ये स्टार है हमारा, ये अर्थ है, यहाँ तक हमारा एटमॉस्फियर है। एटमॉस्फियर में भी कई सारे लेयर हैं, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, और हवाएं चलने की वजह से अचानक रेयर मीडियम में वो डेंसर बन जाता, हवा आ गई कहीं से, डेंस हवा है ना, विंड आ गई, कहीं डेंसर मीडियम है तो वो रेयर बन जाता है। तो यहाँ तक तो स्टार सीधे आता है, लेकिन यहाँ आने पर अब स्टार सीधे नहीं आता है, इस तरह जिग जैग रो में आता है। तो स्टार यहाँ पे है लेकिन दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे है तो दिखेगा यहाँ पे, कभी यहाँ है कभी यहाँ, अचानक यहाँ दिख रहा हवा यहाँ दिखने लगा, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसी को स्टार्स की ट्विंकलिंग कहते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लिया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है एल्टीट्यूड माने हाइट के साथ डिक्रीज होता है। अपर लेयर का जो प्रेशर होगा, अपर लेयर रेयर होगा, नीचे वाला रेयर डेंसर होगा। अब इसमें रिफ्रैक्शन होता है, हर जगह रिफ्रैक्शन होता है, ईच लेयर, हर लेयर में रिफ्रैक्शन होता है, मैंने बताया, थोड़ा थोड़ा बेंड होता है, तो स्टार हमें हायर दिखेगा। नेक्स्ट, दस द स्टार अपीयर्स टू बी हायर इन द स्काई ड्यू टू विंड एंड कन्वेक्शन करेंट डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, पोजीशन ऑफ एटमॉस्फेयर भी वो भी फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट होता है ना, यहाँ है तो यहाँ दिखेगा, अचानक यहाँ दिख रहा फिर यहाँ दिखेगा, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दिस फ्लक्चुएसन, यही जो फ्लक्चुएसन होता है इसको ट्विंकलिंग बोलते हैं। तो प्लेनेट में ऐसा क्यों नहीं होता, प्लेनेट में इसलिए नहीं होता क्योंकि प्लेनेट का जो मास होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, प्लस दूसरी बात इसके लार्ज मास और ये इतना नज़दीक होता है हमारी अर्थ के, स्टार तो बहुत दूर होते हैं ना, प्लेनेट काफ़ी नज़दीक होता है, तो इन दोनों की वजह से जो ट्विंकलिंग का इफेक्ट है वो नलीफाई होता है, कैंसिल हो जाता है, द लार्ज मासेज एंड नियरनेस कैंसिल द ट्विंकलिंग इफेक्ट, दैट इज़ वाई इट डज नॉट लुक ट्विंकलिंग। एक चीज़ और इसमें आई थी कि जो स्टार है जहाँ होता है उससे दूर दिखता है, तो देखो क्यों ये दिखता है, क्योंकि ये स्टार है, ये सीधे रो आएगी फिर यहाँ से बेंड हो जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही। अब इसको पीछे ले जाएंगे, पीछे जब ले जाएंगे तो ये दिखेगा, यानी स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है, लेकिन ये हमें एपियर्स यहाँ पे दिखता है थोड़ा हायर, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनलाइट,
मीन्स सनराइज नहीं, एक्चुअल में सनराइज नहीं होता है फिर भी हमें दिख जाता है, और एक्चुअल में सनसेट हो जाता है लेकिन फिर भी हमें लगता है अभी सनसेट नहीं हुआ है। यानी सनराइज जल्दी हो जाता है, सनसेट देर में होता है। इसका रीज़न क्या है? वही रीज़न है, इसका रीज़न जो है वही है कि ये सनलाइट से देखो रो आती रे आ रही है, ये हमारा होराइजन है, ये वाली लाइन हमारी होराइजन है। अब रे यहाँ से आती है तो यहाँ तक तो सीधी आएगी क्योंकि ये स्पेस है, कुछ नहीं है, लेकिन अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर है मैं यहाँ पे घुसते ही ये बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो गई। अब ये जो बेंड हो गई, बेंड होने के बाद इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर दिखेगा। यहाँ पे बताते हैं ये हमारा अर्थ है, ये हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर है, ये हमारा होराइजन है, सन एक्चुअल में यहाँ पे है। लेकिन होता क्या है कि सन से जो रे आती है वो इस तरह से आती है यहाँ पे, और एटमॉस्फेयर में घुसते ही वो बेंड हो जाती है, ऐसे बेंड हो गई, है ना। बेंड होने के बाद क्या हुआ कि सन है एक्चुअली में यहाँ पे, इस जगह पे हमारा सन है, लेकिन इस रे को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो सन हमें दिखेगा यहाँ पे। यानी एक्चुअल में जो सन है वो होराइजन के नीचे है, वो नीचे है, यहाँ पे सन है होराइजन के नीचे है, ये हमारा होराइजन है, लेकिन हमें दिखेगा यहाँ पे इस जगह पे। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रीज़न क्या है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। रिफ्रैक्शन कैसे हुआ समझ गए? इसके भी कुछ पॉइंट्स है कि एक्चुअल जो सनराइज होता है उससे पहले ही दिखता है और डिलेड सनलाइट दिखता है। ऑप्टिकली डेंसर, हमारा अर्थ जो है ऑप्टिकली डेंसर है मालूम है, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, सन से जो रे आती है उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है जैसे ही वो हमारे अर्थ के डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है। ठीक है, तो 2 मिनट पहले दिखता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है, कुल 4 मिनट का ज़्यादा हमें सन दिखता है।